विशाल ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। सलाम अंकल, आपने खाना वाना खाया? अरे खा लिया खा लिया जनाब। और सब बढ़िया लग रहा है? सब व्यवस्था हमने की है। क्या बात है, मेरे को तो आज आपने खुश कर दिया। क्या बात है। अरे इरफान भाई, अरे सलाम भाई, वालेकुम सलाम। आप कैसे? पहले आप ये बताइए, हमारे शहर में आए, हमें बताया तक नहीं आपने। अरे यार मैं क्या बताऊं, इतना मैं बिजी हो गया हूँ आजकल, शादी में, बहन की शादी है ना मेरी। क्या बात, आप यहाँ पे कैसे? अरे मेरे तो भाई की शादी है आज। अरे दूल्हे के भाई हो तुम? हाँ। अरे अरे यार क्या बात है यार। अब हज दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का वक्त आ गया। बिल्कुल, रिश्तेदार तो बन ही चुके हैं हम लोग। आप पहले कुछ खाओ, आप इतनी दूर से आ, मैं जाने। अरे अरे आप हमारी शादी में आए, पहले आप। मैं, मुझे काम है सलीम भाई। आप भाई, आपके पान खाए हुए 20 साल हो गए। अरे तो ऐसा बोलो ना, पान खाना है पहले आपके हाथ का पान खाएंगे उसके बाद। कौन आ जाता है शाम को? अरे राहुल बेटा आओ अंदर। जी हाँ जी, नमस्ते। जी तरह। कैसे आना हुआ? मैं तो विशाल जी आया था। आप पहले बताइए आंटी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मम्मी पापा ठीक है? मम्मी पापा एकदम बढ़िया। विशाल कहाँ है? विशाल अंदर ही है, बुला के। विशाल आया मम्मी। विशाल, अरे नमस्ते अंकल। अरे राहुल बेटा कैसे आना हुआ? अरे अंकल बस विशाल के लिए खाया था। अब तो बड़े हो गए हो, माँ बाप की दुकान पे बैठते होगे। अंकल आजकल मैं फुटबॉल पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, वो कल ही मेरा मैच था। अरे भाई मेरी तो समझ में नहीं आता, ये फुटबॉल फुटबॉल में आखिर रखा क्या है? वो बगल के शामू को देखो, नल्ला का नल्ला रह गया। माँ बाप का ध्यान रखो, बाप की दुकान पे बैठो, क्या फुटबॉल खेलोगे तुम? जी अंकल, पर अच्छा ये सब छोड़ो, अभी मुझे और राहुल को अपनी एक दोस्त की बहन की शादी में जाना है और हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। क्या ये वही मुसलमान दोस्त है तुम्हारा? जी मम्मी। मैं भी जाऊँ। नहीं टीनू, तुम्हारा होमवर्क नहीं हुआ है। प्लीज मम्मी, कल छुट्टी है, कल कर लूंगा। अच्छा ठीक है, अगर तुम इसको लेके जा रहे हो तो 10 बजे तक वापस आ जाना, एक मिनट लेट नहीं होने चाहिए। जी आंटी, जी आंटी, जी मम्मी, जी आंटी। आ जा टीनू, चलते हैं। चल टीनू। अरे इरफान भाई, मजा आ गया तुम्हें देख के। कहाँ, आप बताओ कैसे हो? अरे मैं बहुत, तुम बताओ यार। मैं बढ़िया हूँ, इनसे मिलो, ये हमारे लखनऊ के खास दोस्त। कैसे हो? सब बढ़िया। ये लखनऊ के हमारे खास दोस्त हैं। लखनऊ के? और इनका ये दावा है कि लखनऊ के जैसा पान कहीं नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात। क्या जाकिर भाई, मैं चाहता हूँ कि आज आप इसको ऐसा पान खिलाएं कि लखनऊ का पानी भूल जाए। अरे ऐसा पान। और सुनिए, वो जो पैकेट मैंने आपको दिया था ना, वो भी डाल देना, क्योंकि उसके बिना मजा नहीं आएगा। क्या बात है, क्या बात है। आप बनाओ, 2 मिनट दो ऐसा पान बनाओ। बिल्कुल 2 मिनट, आप 10 मिनट ले लो, हम बैठते हैं। चलो बनाओ। और सलीम भाई, आपकी तो इतनी यादें आई हमें। क्या बात कर रहे हैं, आपकी इतनी यादें आई कि आपकी यादों में हमने शायरियां लिख डाली। क्या बात है, आपकी शायरी के तो हम आज भी दीवाने हैं, जैसे 20 साल पहले थे इरफान भाई। अरे सलीम भाई, तो अगर मतलब आप चाहें तो अर्ज कर दें। मैं अर्ज? अरे अरे बिल्कुल, इरशाद इरशाद। तो सुनिए। अरे अरे ओ सुनो भाई, पान। अरे जाकिर भाई, ऐसा पान, पहले पान खा लेते हैं, पहले पान खा लेते हैं। कैसा लगा? क्या मिठास है, अभी तो मिठास का मजा आया, आगे और भी मजा आया। तो सुनाओ, शायरी शुरू करते हैं। जाकिर भाई आइए, बैठिए। तो अर्ज किया है, इरशाद इरशाद। हम तो ऐसे आशिक हैं। क्या बात, हम तो ऐसे आशिक हैं। अरे अरे, कि दिल चीर कर आपकी इश्क की सिहाई से आपका नाम लिख दें। अरे क्या बात है इरफान भाई। आगे सुनिए, अभी
हम तो ऐसे आशिक हैं कि दिल चीर कर आपकी इश्क की सिहाई से अपने दिल पे आपका नाम लिखते हैं, पर क्या करें ये खम्बख दिल किसी और का हो चुका है। अरे क्या बात है रे, क्या बात है, क्या बात है। अब मैं चाहूंगा जाकिर भाई कि हमारे जो ये खास दोस्त लखनऊ के सलीम भाई ये कुछ पेश करें। अरे अरे लखनऊ के हम भी देखते हैं, हमारे इरफान भाई ने हमसे कुछ इच्छा की है तो हम टाल तो बिल्कुल ही नहीं सकते। इरशाद शुरू करें। तो अर्ज किया है, हम तो हैं आजाद परिंदे। अरे 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 वाह वाह आजादी, गौर फरमाइएगा। हम तो हैं आजाद परिंदे, उड़कर कहीं चले जाएंगे। वाह वाह क्या बात, ये तो आपकी इश्क की जंजीरें हैं जिन्हें हम जिन्होंने हमें बांधे रखा है। अरे जनाब मजा आ गया, आजादी जनाब, हाथ मिलाओ जनाब, जनाब बहुत मजा आ गया। क्या जाकिर भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सलीम भाई से मिलके मजा आया। अरे सलीम भाई, इरफान भाई, दोनों के दोनों मेरे और भाई। मैं ये भी चाहता हूँ जाकिर भाई, मैं ये भी चाहता हूँ कि आप आज शाम को खाने पे जरूर आए। अरे क्यों नहीं, मैं खुद बनाऊंगा और आऊंगा। अब बोलो, आपको आना होगा और पान लेके आना होगा। आप जो तुम बोलो वो लेके आऊंगा। चलो इरफान भाई, अरे वीर भाई, वीर भाई चलो जनाब मिलते हैं। चलो फिर जाकिर भाई, अल्लाह हाफिज। चलो सलीम भाई, आपको किसी अजीज दोस्त से मिला जाए। हाँ जरूर जरूर। अरे विशाल भाई, अरे इरफान भाई, सब बढ़िया सब बढ़िया, कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। इनसे मिलो, ये है मेरे लखनऊ के बहुत ही खास दोस्त। अरे गले मिल गए ना। अरे आओ आओ विशाल भाई, सलीम भाई मजाक आए थोड़े, माइंड मत करना। वो तो दिख ही रहा है। और बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? मैं इनका छोटा भाई हूँ, टीनू। अरे बड़ा प्यारा बच्चा है ये, आप भी बहुत फ्लफी हैं अंकल। अरे अरे टीनू इसको थोड़ा माइंड मत करना, ये आज का ऐसे थोड़े मूड मूड में रहता है। बच्चे तो होते ही हैं। अरे बदमाश हो तुम बेटा। खैर ये सब बातें छोड़िए, मेरे को फूफा जान ने बहुत जरूरी काम से बुलाया है, तो बस 2 मिनट के लिए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप हो आइए बिल्कुल। और भाई विशाल बताओ यार, इतने दिन हो गए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, आप दोनों आए यहाँ पे। जी जी, मैं आपको किससे मिलाना चाहूंगा जरूर। पहले तो कभी मुझको ना ऐसा कुछ हुआ, दीवानी लहरों को जैसे साहिल मिला। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। ज़ारा, ये मेरे कॉलेज के फ्रेंड हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। जी मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। और टीनू, शादी में मजा आया? मुझे तो भैया मजा आया ही, पर आपको तो और मजा आया होगा, मुझे भाभी जो मिल गई। मम्मी पापा को उसके बारे में पता ही चलना चाहिए, स्पेशली कि वो लड़की मुस्लिम है, क्योंकि फिर डांट मुझे ही पढ़नी है और शायद मैं घर से बाहर निकल जाऊंगा। इसके लिए अभी घर चलते हैं, चुप रहियो और अपना होमवर्क कर लियो। ओके। Zara? Vishal? You remember me? Why wouldn't I? I didn't think you would. Well, I did. What a great art gallery. I know that, it's wonderful. Yeah, it's been years since I was like 10 years old. I started coming here very recently. Dil ka darya beh gaya, ishq ki ibadat बन ही गया, खुद को मुझे तू सा। यार वैसे देर हो रही है, I'll leave. Should I meet you later? Should I drop you home? Oh no, my friend's coming. वैसे are you free tomorrow? Yeah, tomorrow sounds fine. Give me your number. See you. See you. एक विदम तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे बिन अब न लेंगे एक विदम,
तुझे कितना चाहने लगे हम तेरे साथ हो जाएंगे खत्म तुझे कितना चाहने लगे हम भैया मजे कर रहे हो ओ चुपचाप घर जा चाहने लगे हम कौन सा दोस्त विशाल पूरा नाम क्या है उसका विशाल कपूर अब आई ना तुम्हारी असलियत मेरे सामने हिंदू लड़कों के साथ घूमती हो ना हर रोज तुम पछताओगी अरे बेटा आ गया घर जिम अरे आओ आओ बैठो बैठो बड़े दिन बाद खुशखबरी आई है शर्मा जी की बेटी का रिश्ता है शर्मा जी की बेटी का मिठाई लाओ फ्रिज में पड़ी है एक सेकंड मेरे से बिना पूछे समझे ये सब क्या कर रहे हो आप मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ मैं खुद देख लूंगा मम्मी आप पिताजी को प्लीज समझा दीजिए तुम्हारे पिताजी और मैंने ये फैसला ले लिया है ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है अभी जो मेरे लिए अच्छा है वो मैं खुद देख लूंगा चुप कर तू अब तेरे माँ बाप पिता भी अपनी की तेरा भविष्य तय करे ये दिन आ गए हैं तुझे पाल पोस के क्यों बाया गया था ये दिन देखने के लिए बस करो आप मुझे जारा नाम की लड़की से प्यार हो गया पागल हो गया क्या तू उस मुसलमान लड़की के साथ घूमता रहता है दिन भर जारा नाम की लड़की जारा नाम बाहर की दबा ना घर से दिखियो मत एक हफ्ते तक अपने कमरे में ही खाना खाएगा तू निकल नहीं घर में नहीं रहेगा दबा जा तू घर से अच्छा एक सेकंड रुकना पता है तुम स्ट्रीट लैंप के नीचे कितनी सुंदर दिखती हो वैसे क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ ज़ारा विल यू मैरी मी विशाल तुम्हें भी पता है पापा नहीं मानेंगे